आपका बेटा सो रहा था, उसके साथ रह रहा था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। अभी पहचान से इनकार कर रही है, बताइए पता कर गया है, शादी करवा रहा है दूसरा, जेल में सड़ा देंगे, जेल में बता देते हैं। हमारे पास रिपोर्ट है साहब, अल्ट्रासाउंड के खराब करवा है, हमारे पास सारा फोटो है, रिकॉर्ड है, फोटो भी लाया, हाँ डॉक्टर के भी रिकॉर्ड है, देखिए सब गलत बोल रहा है, लोग की शादी नहीं किया, अब उसका शादी दूसरा हो रहा है, हो गया, ये भी हो गया, ये देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं बनावटी है, ये सब बनावटी फोटो है, एडिट कहाँ से है, मेरे घर अगर ये लोग प्रूफ करा देंगे कि एडिट है, सच्चाई है, मेरे घर का ट्रांसपेरेंट लग रहा है, सब चीज है, देखिए ना, देखिए सब चीज दिखाई दे रहा है, बच्चे लोग एडिट कहाँ से लग रहा है बताइए तो, एडिट कहाँ से लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, देखिए उस दिन आप लगातार देख रहे थे कि आरा ज़िले में एक महिला जाती है अपने ससुराल, पुलिस की टीम भी रहती है और उसके बाद जो तांडव होता है वो सब लोग जान रहे होंगे, क्यों होता है ये महिला साफ कहती है कि 9 साल तक शोषण हुआ, 4 बार एबॉर्शन हुआ, उसके बाद जो लड़का है हमसे अब हमेशा के लिए दूर होना चाहता है। इस पर मैं सीधा कहती हैं कि ऐसे किसी को बर्बाद करके कैसे कोई लड़का भाग सकता है, ऐसे में हम बात करेंगे। उस दिन आप लोग गए, आप गई थी, पुलिस की टीम भी आई, उसके बाद दोबारा डेट रखा गया 25 तारीख को, क्या कुछ हुआ? 25 तारीख को डेट रखा गया तो वहाँ पे महिला मंच लोग गई और सरपंच आए, मुखिया आए और वो लोग जितना बोलना था बोले, बस मुंह से बोले और गलत पकड़ा भी गए, गलत के लिए उनको मतलब डांटा भी गया, पर कुछ ऊंचा आवाज़ नहीं लोग बोले, नहीं मतलब उस पर कुछ दबाव दिए, मतलब दबाव नहीं बोला कोई, नहीं कुछ बोले बस इतना ही बोले कि तुम रख लो नहीं तो इसको पैसा देकर रफा दफा खत्म कर दो। जब हमको पैसे लेना ही था तो हम किसी गैर मर्द के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, मतलब जब पैसा आपको लेना ही था तो इतना बवाल करने की क्या जरूरत था, हमको बवाल हम नहीं करते, ऐसे बवाल हमको तो बस उस पे रहना है, और जब हमसे 2.5 लाख रुपया बोल रहे थे 2.5 लाख रुपया हम देंगे, हमको 2.5 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमको पति चाहिए। यदि आपको पैसा लेना ही रहता तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से पुलिस की टीम गई तो वहाँ पे आप बोल देते, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस की टीम भी गई, वो आपकी ननद ने आपको वहाँ जाने से हटा दिया और आपकी जो सास है वो कह रही है कि ये मेरी, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस जो गेट लगातार खड़खड़ाया वो एकदम खोलने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसके बाद अंतिम में जो है पुलिस की या फिर हम लोग की टीम जो है या फिर हम लोग के द्वारा जरिए जो है खोला गया, लेकिन ऐसे में 25 तारीख को तो कहा गया कि नहीं सारी बातों को सुना जाएगा, नहीं 25 तारीख को कुछ नहीं हुआ, बस यही सब बात हुआ। क्या सब बात हुआ? बस यही सब बात हुआ कि नहीं तुम शादी किया है, तुम गलत पकड़ा गया है, लड़का को गलत पकड़ लिए वो लोग, हाँ बोले कि तुम इसके साथ में तो गलत किया है बेटा, लड़का को पकड़ लिया तो लड़का को ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ दिया, हाँ वो लोग छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों रीजन कारण सबको छोड़ दिए, कारण बस क्या कारण था हम क्या कह सकते हैं, हो सकता है वो लोग अपने में मुंह मिला लिए होंगे, हो सकता है मुंह मिला लेंगे, हो सकता है वो तो पैसा से खड़ी, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर मीडिया वालों के भी खड़ी सकते हैं, थाना के भी खड़ी सकते हैं, सरपंच के भी खड़ी सकते हैं, सबूत था तब ना वहाँ पे आप गई, मतलब सबूत था तब ना, हाँ मेरे पास सबूत है, उनके पास सबूत क्या निकला? कुछ नहीं निकला सबूत, कोई सबूत नहीं निकला, अप एंड डाउन लीजिए, वहाँ से बताया गया कि आपका भी किसी के साथ अफेयर है, ऐसा है वैसा है, कुछ बातें निकल के आई है, हम मीडिया से हैं, हमारी जानकारी कहीं से मिली है ऐसी, हम इसलिए पूछ रहे हैं आपको, तो जैसे कि इसको आप तो बोलेंगे ना कि सबूत दिखाइए, तो हम तो बोले कि वहाँ पे सबूत दिखाइए, महिला मंच वाली भी गई तो बोले कि सबूत दिखाइए, कुछ नहीं दिखाया, मुंह लटका दिया, उसके बाद में हमको अकेला रूम में भेज दिया कि तुम लोग बात करो, पैर अकेला के साथ आपको अकेला रूम में भेजा गया, हाँ अकेला रूम में भेजा गया, तो हमको पैर पकड़ दिया कि हम तुमको खर्चा चलाएंगे, तुमको जैसे हम रहते थे साथ में रहेंगे खर्चा चलाएंगे और तुम्हारे साथ में रहेंगे, सिला भत्ता देंगे, हाँ महीने का, हाँ और तुम हमको अब जलील मत करो, मेरी बहन की शादी रुक जाएगी, हमारा शादी घर में होने वाला है, मेरी बहन की शादी रुक जाएगी, अब हमको जलील, हमारा भी शादी नहीं होगा, अब तो कुछ बोलिए दिया, तब फिर क्या दिक्कत है? तो फिर आके यहाँ पंच के सामने बोल दिया, मुकर गया कि नहीं हम ये सब नहीं बोले हैं, मतलब कि अंदर में बोला कि नहीं आपका हम सारा गुजारा चलाएंगे, पैर पकड़ लिया, आप पैर भी पकड़ लिया, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद फिर पंच के सामने बोल रहा था कि नहीं हम नहीं पैसा नहीं देंगे और नहीं हम इसको चलाएंगे, तो फिर ये तो वहाँ पे बताना चाहिए कि अंदर में बात हुई है और फिर बाहर में ये हम बताएं तो सारा चीज उस पे सब मुखिया सरपंच लोग उन पे छोड़ दिए इसलिए कि वो जो कहेगा वही होगा, तो अब जो वो कहेगा से होगा, तो वो तो कह रहा है कि नहीं हमको नहीं रखना है, लड़का कह दे हाँ। मानते हैं कि आपका भी किसी के साथ अफेयर है, फोटो है या ऐसे है वैसा है, ये तो सबूत दिखाएगा तब बात होगी हाँ। लेकिन बोल देगा हाँ। तो उसको कैसे आप उसको बोलिएगा, बोल देगा कैसे उसको, बोल कैसे देगा, बोल देगा सबूत दिखा, जैसे हम सबूत दिखा रहे, तुम भी सबूत दिखा, सबूत दिखाने का उसका औकात रहेगा तब ना दिखाएगा, सच को झूठ में बना देगा, बिना सबूत के बोल दे रहा है, वो तो कुछ बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, तो कुछ ही बोल देगा तो लोग मान लेगा, मुखिया सरपंच मान लेगा, थाना मान लेगा, नहीं मानेगा, अब मेरा जो उस दिन जो सारा बात हुई तो फिर कहा लास्ट में क्या कहा गया, लास्ट में कहा गया कि माइनस करो, तो माइनस कैसे कर रही है,
बस वो लोग सेटलमेंट करो, सेटलमेंट ऐसी बस बात में कर लो। क्या सेटलमेंट? कुछ नहीं, पैसा दे दो, हो गया कुछ। मतलब बोले वो लोग की 2.5 लाख रुपया देंगे, सेटलमेंट कर लो। तो 2.5 लाख रुपया हमको जब देने ही रहता, जिस समय उस दुआरी पर गए थे तो उनको फोन लगा के बोलते थे कि मेरा पैसा दीजिए, आप मत आइएगा। हम ये भी तो बोल सकते थे, अंदर अंदर चुपचाप नहीं कर सकते थे, अंदर अंदर कर सकते थे। हम आवाज उठाने का क्या हमको जरूरत है? आवाज हम नहीं उठाते। आवाज उठाए क्यों है पहले ये बताइए? आवाज हम उठाए, हमारे साथ में साल भर से और हमारे पास से बात नहीं कर रहे थे, हमारे पास बात नहीं कर रहे थे, आ नहीं रहे थे। शादी उनको तय हो गया, हमको उन्हीं को घर में संतोष नाम के भाई है, संतोष नाम के भाई है, वही हमको सारा खबर पहुँचाते थे। ये भी पहुँचाते थे सर कि उसकी बहन के शादी हो रहा है, तुम चढ़ाई करो। जो उनका नाम है संतोष, जो मीडिया में अभी भी आए हैं, जिस 25 तारीख को मीडिया में आए हैं, उनको नाम है संतोष। वही हमको बोलते थे कि तुम आओ और आके और चढ़ाई करो, और नहीं तो सलाई पलट जाएगा। इधर हमसे भी बात करता था, उधर हमारे हस्बैंड से भी मिलकर रहता था, अमिताभ से भी। तो हम अमिताभ को पहले बताते थे कि देखिए अब पुष्पा की शादी हो रहा है, तो हमको ऐसे से घर से सबको बोल रहे हैं से, तो किसे तुम्हारा क्या मर्जी है, तुम मतलब बेटी की शादी रोक देगी? हम बोले नहीं, हम शादी क्यों रोकेंगे? क्योंकि ये लग रहा है कि जब वहाँ पे मुखिया समाज दुनिया जहाँ सब बैठा, तो इसको सही रूप से जो बातें हैं निकल के आनी चाहिए। नहीं, वो लोग कोई दबाव नहीं दिए, दबाव नहीं दिए, दबाव इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसके पास सबूत था, लड़का के पास कुछ बड़ा सबूत था। कोई सबूत नहीं था, सबूत कहाँ है, एक भी सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर क्यों कैसे कहा गया कि कुछ पैसा ले लो, बात मामला खत्म करो? हो सकता है वो लोग मुंह मिला लिए होंगे, हम कैसे विश्वास करें? हम क्यों पे छोड़े? क्या कहा गया आपको लास्ट में? बस यही कहा गया कि आप लोग कोर्ट से केस कीजिए। अब हम किसको, कौन केस करेगा? हम करेंगे उनसे। अच्छा, आपको कहा है कोर्ट से केस कीजिए? हाँ, मुखिया सरपंच सबको ही बोले कोर्ट से केस। हाँ, महिला हेल्पलाइन भी, महिला अथी बोले कि जाइए आप कोर्ट से केस कीजिए। हम कोर्ट से कैसे केस करेंगे? हमारे पास पैसा है कि हम कोर्ट से केस करेंगे? कोर्ट से जब महिला मंच में गए, मतलब कि हाँ पूरी मामला समझ लीजिए, यानी कि लड़का के पास पैसा है, वो केस लड़ेगा। क्या यही दोस्तों एक बड़ी एक्सक्लूसिव बात निकल के आई है? लड़का के पास पैसा है, लड़का केस लड़ेगा, मामला ये निकल के आ रहा है। इस पूरे मामले में समझिएगा, लड़का के पास पैसा है, वो कह रहा है कि हम केस लड़ेंगे। क्या आपके पास पैसा है, आप केस लड़ेंगे? नहीं, हमारा तो बच्चा के खिलाने भर भी पैसा नहीं है, पढ़ाने भर भी पैसा नहीं, तो हम केस कहाँ से लड़ेंगे? हमारा तो जो भी चल रहा था उन्हीं से चल रहा था, वो तो वही हट गए, तो हम कहाँ से लड़ेंगे? वो तो कह दिया ना कि कोर्ट में आप केस कीजिए, कोर्ट से लड़िए, हम भी लड़ेंगे। तो हम तो बस ऐसे में आप क्या कदम उठाइएगा? ऐसे पे हम कदम उठाएंगे, बस हम अपने सुसाइड करने के चक्कर में हम सुसाइड कर लेंगे। ये तो समाधान नहीं है किसी भी आदमी को, ये तो अपराध है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? ये तो आप समाधान देखिए, समाज के पास गए, पूरे दुनिया जहाँ के पास गए, समाधान नहीं निकल रहा है। न्याय का दरवाजा कोर्ट है, तो कोर्ट में तो सबके लिए बराबर, कोर्ट में सबके लिए है, तो पैसा वाले के ना कोर्ट है। अब एक बात बताइए, ये कैसे बोल रही हैं आप? अच्छा, पैसे वाले के सुनिए, अब एक बात बताइए, गरीब आदमी नहीं जाता है? नहीं, हमारे ऐसा गरीब नहीं आता है, जिसको खाने का ठीक नहीं, जिसको 5 महीना से किराया नहीं मिला है, तो हम बहुत मजबूर हैं, बच्चे के हम पढ़ाई लिखाई हम नहीं करेंगे क्या? मुझे बताइए, कुछ तो रोड पे आ गए, हम क्या करें? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो सेटलमेंट करने के लिए कहा गया, आप उससे साइड हुए? सेटलमेंट करने के लिए बोले वो लोग कि कुछ पैसा ले लो, साइड हो जाओ। हाँ। तो हम पैसा लेने के लिए तैयारी नहीं हूँ, क्यों पैसा लेंगे उनसे? आप कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना चाह रही हैं? हमको 10 लाख रुपया चाहिए और हमको जमीन चाहिए। अच्छा, हाँ, तो अगर हमको क्या बोला? तैयार नहीं है, नहीं तैयार नहीं है। तो ऐसे में आप बोला कि कोर्ट जाइए, हम भी कोर्ट जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये पूरी कहानी में मामला निकल के आया है कि ये जो महिला है लगातार पीड़ित होकर खड़ी है, इनके पास सारा सबूत था, इसलिए वो लगातार वहाँ पे उस घर में जाकर के इनका अधिकार हो गया कि हम अपनी बातों को रखेंगे। और उस दिन सबूत के साथ पुलिस भी मानी, समाज भी माना, पूरा दुनिया जहां माना। लेकिन अब बात आती है, लड़का अंदर में कहता है कि तुम इतना पैसा ले लो, तुम्हारा सारा गुजारा भत्ता चलाएंगे, तुम्हारी सारी चीज़ें को हम पूरी करेंगे। बाहर अंदर में ये बातें होती है, बाहर में जैसे ही लोगों के पास आता है तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लड़की में गड़बड़ी है, लड़की भी और भी किसी के साथ गलत कर रही है, ऐसे टाला जा रहा है। अब ऐसे में लड़का फाइनली कह देता है कि कोर्ट से केस कीजिए, समाज भी कह दिया कोर्ट से केस कीजिए, ये महिला आप कह रही हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम कोर्ट से पैसे केस कैसे करेंगे? यहाँ पे मामला आती है सेटलमेंट का, लेकिन सेटलमेंट में कुछ पैसा ले लो, गेम खत्म करो, मामला खत्म करो, ये बातें आ रही है। लेकिन यहाँ पे इनकी भी कुछ बातें हैं कि 9 साल यदि कोई शोषण किया है तो कैसे हम ऐसे यूं ही छोड़ देंगे? अब मामला कोर्ट में लड़का यदि जाएगा और ये भी जाएंगी तो मामला कोर्ट में ही ये क्लियर होगा, अदरवाइज ये मामला अब फाइनली कोई इसका समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा है। लास्ट में कुछ कहेंगे आप? लास्ट में हम यही कहेंगे कि जिस तरह से हमको बीच रोड पे लाया गया है, उसी तरह से पुष्पा और सुरुचि और अमिताभ और उनके माँ बाप को भी आप लोग सबको मिलकर उसको घसीटिए, और उनको अमिताभ को शादी कभी जिंदगी में ना होवे। बस हो गया, हाँ शादी ठीक हो गया, उसका शादी करने के लिए ही उबाई में था तो हम वहाँ पहुँचे। ये सब मतलब जो भी लड़की कैसी है जो सेट कर रही है, लड़की वाला के नहीं पता है, ये लोग गेम खेल रहा है पैसा के चलते, ये लोग पैसा के बहुत, इसके जिसके पास पैसा रहता है ना उसको और पैसा, हाँ उसके पास पैसा। अब हमको कहना बस यही है, अमिताभ आरा के हैं और
ननौर के हैं और उनको कोटिन उपाय पर हमारे जहाँ तक लगे मीडिया सुन रहे हैं, मेरे जहाँ तक लगे जाएगा आवाज, जहाँ तक लोग सुने, उनसे शादी करने का कोशिश कोई ना करे, कहूँ बहुत धोखेबाज आदमी है, बहुत धोखेबाज आदमी है। तो बाद बाकी अपनी बात आप कमेंट में रखिए इस पूरे मामले को लेकर, जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।